Hello students, in the last video we have studied about the operations on continuous time signal. Okay, now in this video we will study the relationship between the step function, impulse function and ramp function, or you can say differentiation and integration of continuous time signals. Okay, to yahan par relationship kya hota hai between step, ramp and impulse, wo hum log study karenge. To अगर आपको इंपल्स फंक्शन को आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डेल्टा टी इज इक्वल टू डी यू टी अपॉन डी टी. ओके, सिमिलरली अगर आप स्टेप फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट एज डी आर टी अपॉन डी टी. ओके, अगर आप सपोज करिए इसका इन्वर्स कर लें, दैट मीन्स अगर आप रैंप को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस इन्फिनाइट टू टी यू टी डी टी. ओके, एंड लास्ट अगर आप फर्स्ट वाले का इन्वर्स करें तो आप लिख सकते हैं यू टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट टू टी डेल्टा टी डी टी. ओके, तो यहां पर अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोलें तो आपका डेल्टा टी का इंटीग्रेशन होता है स्टेप, मींस इंपल्स का इंटीग्रेशन होगा स्टेप, स्टेप का इंटीग्रेशन होगा रैंप. और अगर आप रिवर्स करें तो रैंप का डिफरेंशिएशन होगा स्टेप और स्टेप का डिफरेंशिएशन होता है इंपल्स. क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से रिलेशनशिप होते हैं बिटवीन इंपल्स, स्टेप एंड रैंप. यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीग्रेशन के टाइम पे. देखिए, जैसे आप आर टी निकाल रहे हैं तो आर टी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ यू टी डी टी. लिमिट क्या है आपकी? लिमिट है, अपर लिमिट है टी. अपर लिमिट टी क्यों है? क्योंकि आप आर टी निकाल रहे हैं अप टू टाइम टी, तो आप टाइम टी तक लेंगे अपर लिमिट. ओके, लोअर लिमिट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है क्योंकि आपको आर टी निकालने बोला है, मतलब अप टू टाइम टी निकालने बोला गया है. लेकिन लोअर लिमिट कहां से स्टार्ट करनी है इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया. तो जब लोअर लिमिट के बारे में कुछ भी नॉलेज ना हो तो हम थ्योरी की स्टडी के टाइम पे सबसे लोवेस्ट लिमिट, दैट इज कॉल्ड माइनस इन्फिनिटी, कंसिडर कर लेते हैं. और न्यूमेरिकल में जिस तरीके से लिमिट दी होगी उसके हिसाब से हम चेंजेस कर लेंगे. ओके, तो यहां पर ये होता है लिमिट का कंसेप्ट कि लिमिट आपकी माइनस इनफिनाइट से टी तक क्यों है. क्लियर है अच्छे से? अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए जो हमने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे हैं, कुछ एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूं आपके लिए तो आप देखिए. सपोज करिए आपके लिए एक एग्जाम्पल है, ये आपका एक फिगर दिया हुआ है टी माइनस 6 to 6 और एम्पलीट्यूड है 10. ओके, ये फिगर है आपका एक्स टी का विद रिस्पेक्ट टू टी. आपको बनाने बोला है वाई टी जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी. ठीक है, तो आपको ड्रॉ करना है वाई टी विच इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी. तो एक्चुअल में क्या होगा ना, जो कंसेप्ट हमने अभी अभी पढ़ा है उसके थ्रू हम लोग एक फिगर को इंटीग्रेट कर पाएंगे और दूसरा फिगर ड्रॉ कर पाएंगे, या एक फिगर को डिफरेंशिएट करके दूसरा फिगर ड्रॉ कर पाएंगे. इस तरीके से अब हम फिगर टू फिगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन स्टडी करेंगे. ओके, तो आप देखिए यहां पर xt को आप क्या लिख सकते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. हमने लास्ट वीडियो में यह सब स्टडी किया हुआ है कि जब भी रेक्टेंगल हो हमेशा आप स्टेप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो xt क्या हो जाएगा आपका? पहला पॉइंट क्या है? टाइम का माइनस सिक्स है. एम्पलीट्यूड क्या है? 10. तो 10 यू टी प्लस 6 माइनस, ठीक है ना, 10 से एम्पलीट्यूड कितना हो रहा है? 0 हो रहा है 6 पर. तो माइनस 10 यू टी माइनस 6. ओके, ये सारे ऑपरेशन हम लोग लास्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. अगर आपको इसमें डाउट है तो पहले आप लास्ट वीडियो फॉलो कर लीजिए, उसके बाद ये आपको ऑपरेशन बहुत ईजी लगेंगे. ओके, नाउ देखिए आपको yt कैलकुलेट करना है. yt क्या है आपका? xt का इंटीग्रेशन है. दैट मींस u का आपको इंटीग्रेशन करना है. तो u का इंटीग्रेशन r होता है, हमने पढ़ लिया है. स्टेप का इंटीग्रेशन रैंप होता है. अब ये इतना आसान है ना, आप समझिएगा, जब भी आप इस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना एम्पलीट्यूड है, क्या शिफ्टिंग हो रही है, इन सब बातों से आपको कोई मतलब नहीं है. आपको सिर्फ ये देखना है जहां जहां पर u दिख रहा है वहां वहां पर आपको R लिख देना है, बस, और कुछ भी नहीं करना. ठीक है, तो ये हो गया आपका yt. बस ये ध्यान रखना है कि u के केस में
यू के सामने जो कॉफिशियंट होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन आर के केस में आर के सामने जो कॉफिशियंट होता है वो उसकी स्लोप होती है। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है हमेशा। ओके, अब अगर मैं इसे ड्रॉ कर लूं वाई टी को, तो आप देखिए आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वाई टी के ड्रॉ करने के लिए वो है आपका टी इक्वल टू माइनस सिक्स। ओके, तो माइनस सिक्स पर आप देखिए स्लोप कितनी है, 10। तो माइनस सिक्स पर आप 10 स्लोप का एक सिग्नल बना दीजिए। ओके, ये बन गया हमारा। अब आपकी स्लोप अगली कहां पर चेंज होगी, टी इक्वल टू सिक्स पर, ठीक है ना। कितनी स्लोप ऐड करेंगे आप, माइनस 10। अभी आपकी स्लोप 10 है और टी इक्वल टू सिक्स पर आप माइनस 10 को ऐड करेंगे तो टोटल स्लोप कितनी हो जाएगी आपकी, जीरो हो जाएगी। तो टी इक्वल टू सिक्स पर आपकी स्लोप बन जाएगी जीरो। बस हो गया, आंसर आ गया आपका, क्लियर है अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग एक्स टी को इंटीग्रेट करके वाई टी ड्रॉ कर सकते हैं, क्लियर। अब यहां पर वाई टी ड्रॉ कर लिए हम लोग, लेकिन क्या हम ये एम्पलीट्यूड पता कर सकते हैं कि ये जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो कितना होगा? यस, पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस पूरी लाइन की स्लोप पता है, ठीक है। तो ये पॉइंट कितना है, माइनस सिक्स कॉमा जीरो है, और ये पॉइंट आप मान लीजिए एम्पलीट्यूड को वाई टू ले लीजिए, तो ये पॉइंट हो जाएगा सिक्स कॉमा वाई टू, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये हो जाएगा वाई टू माइनस जीरो, सिक्स माइनस माइनस सिक्स, मतलब सिक्स प्लस सिक्स, कितना हो जाएगा, टेन। स्लोप आपकी टेन है ना, तो वाई टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया ट्वेल्व। तो ट्वेल्व इंटू टेन, वन ट्वेंटी, मतलब यहां पर जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो होगा 120। ओके, तो इस तरीके से आप फिगर टू फिगर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्लियर है अच्छे से। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं यहां पर, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल यहां पर आपको एक सिग्नल फिर से दिया हुआ है एक्स टी। ओके, दिस इज योर एक्स टी, एंड आपको कुछ इम्पल्सेस दिए हुए हैं यहां पर। एक इम्पल्स दिया है माइनस थ्री पर 10, एक इंपल्स आपको दिया है माइनस टू पर 12, और एक इंपल्स आपको दिया हुआ है 1 पर 16। ओके, तो इतने आपको इंपल्स दिए हैं, टोटल 3 इंपल्स हैं। ओके, और आपको कैलकुलेट करने बोला है वाई टी, कैलकुलेट भी करना है और ड्रॉ भी करना है वाई टी को, ठीक है। वाई टी क्या है आपका, माइनस इनफिनाइट टू टी एक्स टी डी टी, क्लियर। दैट मीन्स आपको एक्स टी का इंटीग्रेशन करना है जिससे आपको वाई टी मिल जाएगा। यहां पर xt को इंटीग्रेशन हम तब कर पाएंगे जब हमें xt पता होगा। तो xt हमें फिगर के फॉर्म में तो पता है, अब हम इस फिगर को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो आपका xt क्या हो जाएगा, देखिए xt जो है बेसिकली इंपल्सेस का सम्मेशन है, ठीक है ना। देखिए आपका पहला इंपल्स कहां पर है, माइनस थ्री पर, t इक्वल टू माइनस थ्री पर। तो क्या लिख देंगे आप, 10 डेल्टा t प्लस थ्री। ओके, नेक्स्ट इंपल्स कहां पर है, माइनस टू पर, ठीक है। तो आप क्या लिख देंगे, माइनस ट्वेल्व डेल्टा टी प्लस टू। ओके, क्लियर है ना। यहां पर आपका ये नीचे के साइड है तो क्या होगा, माइनस होगा ना। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट इंपल्स आपका कहां पर है, वन पर। तो आप क्या लिखेंगे, प्लस, और आपका वैल्यू कितनी गिवन है, 16। तो प्लस 16 डेल्टा टी माइनस वन, क्लियर अच्छे से। अब आप देखिए अगर आप यहां से वाई टी कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 10 यू टी प्लस थ्री, क्योंकि डेल का इंटीग्रेशन यू होता है, माइनस 12 यू टी प्लस टू, प्लस 16 यू टी माइनस वन, क्लियर अच्छे से। अब अगर यहां से आप वाई टी को ड्रॉ कर लें तो आपका जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए वाई टी कैसा होगा आपका, पहला पॉइंट क्या है आपका, t इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री पर आपका एम्पलीट्यूड कितना है, 10। u है ना, ध्यान रखिएगा u के केस में एम्पलीट्यूड होता है 10। अगला पॉइंट क्या है, t इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू पर आप माइनस 12 ऐड कर रहे हैं, तो 10 पर अभी हैं, और 10 पर अगर माइनस 12 को ऐड करें तो कहां पहुंच जाएंगे, माइनस टू पर। ओके, तो माइनस टू वाले पॉइंट पर एम्पलीट्यूड भी आपका क्या हो रहा है, माइनस टू ही हो रहा है। देखिए ना, माइनस थ्री वाले पॉइंट पे एम्पलीट्यूड था 10, अब माइनस टू वाले पॉइंट पे
t equal to minus 2 पर minus 12 amplitude add हो रहा है, तो 10 से हैं आप, 10 से अगर आप minus 12 करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका minus 2, अब देखिए आप, अगला point क्या है, t equal to 1 पे आप 16 add कर रहे हैं, minus 2 पर अभी आप हैं, और 16 add करेंगे, तो कहां पहुंच जाएंगे आप, 14 पर, clear अच्छे से, अब देखिए क्या कोई और पॉइंट है आपका t equal to 1 के बाद, नहीं और कोई पॉइंट आपका नहीं है, तो ये जो 14 वाला एम्पलीट्यूड है, ये लाइन आपकी कंटिन्यूअसली अप टू इनफिनिटी तक चले जाएगी, क्योंकि अब आपका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि और कोई पॉइंट नहीं है t का यहां पर, क्लियर है अच्छे से, तो ये हो गया आपका xt का इंटीग्रेशन yt, और हमने ड्रॉ भी कर दिया इसे, ओके, नाउ एक एग्जांपल हम डिफरेंशिएशन का भी ले लेते हैं, तो नेक्स्ट एग्जांपल में आपको यहां पर एक सिग्नल गिवन है, ओके, ये आपकी एक ट्रायंगुलर वेव फॉर्म गिवन है, और आपको इस सिग्नल के लिए डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, ठीक है ना, और यहां पर आपको जो वैल्यू गिवन है, वो गिवन है माइनस टू से प्लस टू, और ये एम्पलीट्यूड गिवन है 10, और आपको कैलकुलेट करना है yt, which is dxt upon dt, ओके, तो यहां पर अब आपको xt का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, तो अब आप देखिए, अगर आपको xt का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले आपको xt को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, और ये आपकी स्लोपी लाइन है, तो सबसे पहले आप स्लोप निकालोगे, ये वाला फिगर ऑलरेडी हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से ट्रायंगुलर पल्स को आप रैम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं यहां पर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करूंगा, और अगर आपको प्रोसेस अच्छे से समझना है तो पहले आप लास्ट वीडियो को फॉलो कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा स्लोप आपका -2, 0 एक पॉइंट है आपका, और सेकंड पॉइंट कितना है 0, 10, तो स्लोप कितनी हो जाएगी आपकी y2 - y1 10 - 0 अपॉन x2 - x1 0 - -2, मतलब स्लोप हो जाएगी आपकी 5, ओके, और आपका फिगर सिमेट्रिकल है, तो ये स्लोप क्या हो जाएगी -5, ओके, नाउ अब आप देखिए xt कितना हो जाएगा आपका, पहली स्लोप क्या है 5, पॉइंट क्या है -2, तो आप क्या लिखेंगे 5 rt + 2, ओके, अब आपकी t equal to 0 पर क्या हो रहा है, स्लोप जो है वो 5 से चेंज होकर -5 हो गई, मतलब आपने t equal to 0 पर क्या ऐड किया होगा -10, स्लोप आपने -10 ऐड की होगी ना, r के सामने जो भी होता है वो उसकी स्लोप होती है, किस पॉइंट पर ऐड किया है t equal to 0 पर, तो rt, अब आप देखिए अगली स्लोप कहां पर चेंज हो रही है t equal to 2 पर, t equal to 2 पर स्लोप जो थी वो -5 थी, t equal to 2 से पहले आप बोल सकते हैं -5 थी, और t equal to 2 के बाद क्या हो गई 0 हो गई, मतलब t equal to 2 पर आपने क्या ऐड किया होगा +5, तो +5 rt - 2, ओके, तो ये ड्रॉ हो गया आपका, या आप बोल सकते हैं ये आपने लिख लिया xt का इक्वेशन, ओके, फिगर तो आपको ऑलरेडी गिवन था, उससे आपने इक्वेशन लिख लिया, अब अगर yt हम लिखने जाएं तो हमें पता है yt जो है वो xt का क्या है, डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो ये जो xt है वो क्या है रैम के फॉर्म में है, तो रैम का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टेप, तो क्या हो जाएगा 5 ut + 2 - 10 ut + 5 ut - 2, ओके, क्लियर है अच्छे से, अब आप इस yt को ड्रॉ कर लीजिए, आपको ध्यान रखना होगा कि अब ये जो आपका yt है वो स्टेप फंक्शन के फॉर्म में है, तो स्टेप में आप एम्पलीट्यूड को देखते हो ना कि स्लोप को, ठीक है, तो पहला एम्पलीट्यूड क्या है 5 है t equal to -2 पर, ठीक है, तो आप देख लो t equal to -2 पर आपका एम्पलीट्यूड है 5, ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका टाइम का t equal to 0, ut है ना आपका, दैट मींस t equal to 0, t equal to 0 पे कितना एम्पलीट्यूड आप ऐड कर रहे हो -10, तो अभी आपका एम्पलीट्यूड 5 है, ओके, और आप t equal to 0 पे -10 ऐड कर रहे हो, मतलब आप कहां पहुंच जाओगे, आप यहां पर पहुंच जाओगे 5 - 10, मतलब -5 पर, ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट t equal to 2 पर आप क्या ऐड कर रहे हो +5, तो -5 पर हो और आप t equal to 2 पर +5 ऐड कर रहे हो, मतलब कहां पहुंच जाओगे 0 पर,
तो ये बन गया आपका फिगर yt, ठीक है ना। तो ये हमने यहां परफॉर्म कर लिया है xt का डिफरेंशिएशन व्हिच इज yt, और यू कैन से रैम का डिफरेंशिएशन इज स्टेप, और यू कैन से ट्रायंगुलर पल्स का डिफरेंशिएशन इज योर समथिंग लाइक स्क्वायर वेव। क्लियर अच्छे से? तो ये आपके कंप्लीट होता है टॉपिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स यहां दे दिए हैं, अगर फिर भी आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा। ओके, थैंक यू।